सी ये जो निकाल रहे हैं आप लोगों को वहां से 40 लाख लोगों को, तो ये ब्राह्मणों का बाप का नहीं है भाई, ये जो भारत है ये हमारे मूल निवासियों का, ये उनके बाप का नहीं है। बाबा साहब ने बोला था दैट इज इंडिया, इंडिया इज अ भारत। आरएसएस के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं हिंदुस्तान बनाना। तो उनको बोल, उनको ये बता दे, ये ऐलान करते हम के बाबा साहब को ये मालूम था कि ये ब्राह्मणवाद, ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये कम्युनिस्ट पार्टी, ये आम आदमी, ये सभी ब्राह्मण है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये लोग जो आ रहे हैं ये आ रहे यूरेशियन है, ये यहाँ के नहीं है। ये इनके बाप ने राजन दीक्षित जो इनका शोध जो इनको करा है, ये लोग इनका डीएनए चेक करा है 2000 सन के अंदर, तो ये लोग बाहर के आ रहे 1500 इसी में ये भारत में आए थे और अपना सिक्का धीरे धीरे इन्होंने जमा लिया। हमें इन लोगों ने 4 वर्ण में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पढ़ाई करेगा, क्षत्रिय जो है वो क्या करेगा, सेना में जाएगा, और जो वैश्य है, जो बढ़िए है, ब्राह्मण है, वो क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। जैसे मोदी है, नीरव है, मालिया है, ये सब चोर है, बाहर बैठे हुए हैं, हमारे भारत का सारा पैसा ये लोग खाते हैं और बाहर बैठे। तो भैया हमें हमारी महिलाओं से इतना मतलब आशा करते हैं, एक महिला अपने पूरे परिवार को मतलब सुबह से लेके शाम के 12 रात के 12 बजे तक अपने प्लानिंग करती है, घर की बच्चों को कॉलेज भेजना, ये भेजना। तो भाई किस लिए पढ़ा रहे हैं हम, नौकरियां तो है ही नहीं, है नौकरियां नहीं ना, तो हमें क्या करना चाहिए, महिलाओं को बाहर आना चाहिए और अपने समाज को जागरूक करना चाहिए। खाली एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर अपने बच्चों का बलिदान कर दिया, 4 बच्चों का, भाई जिगरा था, अब्बा है हमारा, वो डैडी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो हम उन्हीं की संतानें हैं। और इनके औकात नहीं है ब्राह्मणों की, बीजेपी की, कांग्रेस की, मैं ऐलान करते इनको बोलती हूँ कि ये हमारा बाप छोड़ के गया भाई, महल संविधान का जो महल है ये हमारा बाप छोड़ के गया, हमारा अब्बा, ये गर्व से कह सकते हैं हम। जब भी कोई मुसलमान अपनी ताजमहल देखता है बड़ा गर्वित होता है नहीं होता है, कि क्या कहता है, मेरा अब्बा छोड़ के गया, मेरा डैडी छोड़ के गया, है ना। और जब क्रिश्चियन ये हमारा जो ये है चर्च है, और ये हमारा इंडिया गेट है, तो चर्च वो क्या कहता है, क्रिश्चियन, मेरे बाप ने बनाया था भाई, बनाया। बाबा साहब संविधान नहीं लिखना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब ने सोचा कि जब मुसलमान गर्वित होता है, क्रिश्चियन गर्वित होता है, तो हमारे मूल निवासी गर्वित क्यों ना। तब बाबा साहब ने बोला था संविधान मैं लिखूंगा, लोग ये कहेंगे ये मेरे बाप ने लिखा, बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर ने। इतनी जोर से ताली बजा दो कि संविधान में पहुंच जाए आपकी तालियां। और मैं महिलाओं से रिक्वेस्ट करती हूँ, महिलाएं इतनी सशक्तिकरण है, इतनी प्रभावशाली है, इतनी मतलब आसानी से हर कार्य को कर लेते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ अपने गाँव में, अपने कस्बों में और महिलाएं लें और सबको मोटिवेट करें, बाबा साहब की किताबें पढ़े, और हमारे जो मावन मेश्राम जी हैं उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं बाम सेफ में, वो 26 जून से परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं यहाँ पर, ईवीएम का भांडा फोड़। तो जो बीजेपी और कांग्रेस को है ना मतलब क्या कहते हैं, गटर के कॉकरोच कहती हूँ भाई मैं उसको, जब स्पीच देती हूँ सुबह 3:30 बजे, तो मैं इनको जितने ब्राह्मण है सबको गटर का कॉकरोच के समान समझती हूँ। क्यों, इसलिए क्योंकि जब गटर का कॉकरोच बाहर आता है ना, उड़ता है, तो समझो उसकी मृत्यु आने वाली है कि नहीं, है ना। कॉकरोच जब बाहर निकलता है गटर से तो क्या होता है, मरने की संभावना, मारते हैं हम उसे, बाहर निकलता तो क्या करते हैं हम, मार देते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट, चाहे वो बनर्जी है चाहे वो केजरीवाल है, ये सब ब्राह्मणवाद है। जैसे धर्मेंद्र और प्राण जब लड़ाई होती है आपस में दोनों की, खूब लड़ते हैं एक दूसरे में, एक कांग्रेस है, प्राण कांग्रेस है, और धर्मेंद्र बीजेपी, दोनों खूब लड़ते हैं, फाइट होती है, हम कहते हैं ये तो दोनों एंटी है, दोनों के एंटी नहीं है भाई। वो जब प्लानिंग खत्म हो जाती है, शूटिंग खत्म हो जाती है, तो धर्मेंद्र प्राण का हाथ पकड़े, चलो भाई कॉफी पीते। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों भाई है, दोनों एक है, ये आप लोग पहले समझ लें।
और ये जो बीच बीच में सोचते ना कि हमारी सत्ता जाने वाली है, हमारा बीजेपी नहीं आएगा, तो दूसरी अन्ना हजारे के द्वारा क्या करते हैं, केजरीवाल को ले आते हैं। अन्ना हजारे के द्वारा केजरीवाल को ले आते हैं कि हम फिर दोबारा राज करेंगे। ये हमारे ऊपर 4000 से राज कर रहे हैं, तो क्या भाई गुलाम बने रहेंगे? आप बने रहेंगे गुलाम, है ना? जब एक बाबा साहब इतनी बड़ी क्रांति ला सकता, भाई आप तो उनकी संतानें हैं, चंद्रगुप्त की संतानें हैं, अशोक मौर्य की संतानें हैं, गौतम बुद्ध की संतानें हैं, जो ये छल और कपट से अपना राज लिया है ना, गौतम बुद्ध के पापा को, जो राम नाम का व्यक्ति है उसका नाम पुत्र विश्व शुंग है, उसने उनका वध किया था छल कपट से और अपना राजा शासन बन चुका था। तो ये हमारा अब्बा छोड़ के गया, बाबा साहब छोड़ के गया है, तो इसकी हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। अब बहुत हो गया भाई, बहुत हो गई क्रांति, कितनी हो गई, कितनी क्रांति करेंगे। और ये जो असम के लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, तो इनको इनके बाप में दम नहीं है इतना? उनको बोलो तुम्हारा जो बाप है ना राजेंद्र दीक्षित, वो डीएनए चेक करा है, डीएनए चेक करा ले अपना। जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनका डीएनए सबका एक है, ये शायद आप लोगों को मालूम है। राजेंद्र दीक्षित 2000 के अंदर उन्होंने बोला था। और हमारे वामन मेश्राम जी जो मतलब दिन रात नहीं देखते और इस मिशन में इतना लग रहे हैं, तो मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करती हूँ, जिस दिन महिलाएं सड़क पे आ जाएगी हमारे सत्ता होगी। सत्ता का पलट करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है हमें। उनका बाप का नहीं है भारत, बाप मेरे बाप छोड़ के गए हैं, बाबा साहब चंद्रगुप्त मौर्य गौतम बुद्ध ये छोड़ के गए हैं। तो सभी महिला, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बोलने को बहुत कुछ है, तो सभी महिलाओं से अनुरोध करते हैं कि अब आंदोलन की बारी है, जन आंदोलन करना है हमें, सड़कों पे आना, इन्हें दिखाना है, दिखाना है। कभी ये जनेवा आरक्षण, कभी रोस्टर, कभी 370 धारा, भाई तुम्हारे इतने डर गए हैं वो वामन मेश्राम जी से, उनकी मतलब डर चुके हैं वो। जब भी अभी वामन मेश्राम प्रतापगढ़ जा रहे हैं, वो इतने डरे हुए हैं कि वामन मेश्राम जी आ रहे हैं, उनके वोट लगा रखे उन्होंने, चैलेंज करा उन्होंने कि बता दे कौन यहाँ के और कौन कहाँ के। तो इसलिए भाइयों, आप असमी हैं और असम के रहेंगे, आप यहाँ के मूल निवासी, आपका डीएनए यहाँ का है, किसी के बाप में दम नहीं आपको निकाल दे। अभी मैं महिलाओं से कहती हूँ, सभी महिला जागरूक होए, प्रचार करें बाबा साहब का। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा था कि बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब एक और सारे ब्राह्मण एक, उसकी उनकी तुलना नहीं कर सकते। ताली बजाओ बाबा साहब के लिए। तो जब भी कोई स्पीच देता है तो सबसे पहले आप में जिगरा होना चाहिए, कि बाबा साहब का जिगरा नहीं, आप में भी जिगरा होना चाहिए, आप उनकी संतानें हैं, ये देश आपका, ये भारत आपका है, ये हिंदुस्तान नहीं है। आरएसएस हिंदुस्तान बनाना चाहते, दैट इज इंडिया। बाबा साहब ने पहले महल में यही लाइन लिख दी, बड़े बड़े बैनर लगा दिया, कि उसे पता था ये हिंदुस्तान बनाएंगे इसको, तो उन्होंने पहले लाइन में लिख दिया दैट इज इंडिया, इंडिया इज भारत। भारत आपके बाप छोड़ के गए, आपका अब्बा छोड़ के गए। तो इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम करती हूँ और महिलाओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी महिलाएं एक एक घरों के अंदर जाके प्रचार करें बामसेव का, क्योंकि शक्ति बहुत है महिलाओं में। तो मैं असम के जितने लोग मुझे इतना टाइम दिया उनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जय भीम जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।